शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं मम हृदय निवासं एकदन्तं नमामि। भगवान गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? आज हम दुर्वा पे बात करेंगे। दुर्वा का औषधीय प्रयोग और भगवान दुर्वा को क्यों चढ़ाई जाती है, इसके बारे में बात करेंगे आध्यात्मिक रूप में। आइए जानते हैं भगवान गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। सर्वप्रथम, यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए जानते हैं भगवान गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। भगवान गणेश जी को दुर्वा हम रिद्धि सिद्धि के लिए चढ़ाते हैं। भगवान जी को दुर्वा चढ़ाने से हमारे घर में धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और सनातन धर्म के अनुसार दुर्वा का इतना महत्व क्यों है, आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण अमृत कलश लेकर जा रहे थे, उस अमृत कलश से छलक कर कुछ बूंदें पृथ्वी पर दुर्वा के ऊपर गिर गई। इससे दुर्वा घास अमर हो गई। दुर्वा भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। बुधवार को भगवान गणेश जी को यदि दुर्वा चढ़ाते हैं तो इससे भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। बिना दुर्वा के भगवान गणेश जी की पूजा नहीं की जाती है। दुर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार दुर्वा फैलती है इसी प्रकार वंश की वृद्धि भी होती है। इसलिए भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और इसलिए भगवान गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ाई जाती है। दुर्वा घास का औषधीय प्रयोग भी भरपूर मात्रा में किया जाता है। यदि सुबह नंगे पैर धूप घास पर चलते हैं तो आंखों की जो नेत्र ज्योति है वो काफी तेज हो जाती है। दुर्वा घास शीतलता प्रदान करती है और पित्त को शांत करती है। एनीमिया रोग में धूप घास बहुत काम आती है। दुर्वा घास से खून की कमी दूरी आसानी से हो जाती है। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाने से जहाँ रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, दुर्वा चढ़ाने से धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल के अनुसार अल्नासुर नाम का एक दैत्य था। इस दैत्य के आतंक से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मचा हुआ था। अल्नासुर ऋषि मुनि और आम लोगों को जिंदा निगल जाता था। दैत्य से त्रस्त होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वे अल्नासुर के आतंक का नाश करें, अल्नासुर के आतंक से बचाएं। भगवान शंकर ने सभी देवता और ऋषि मुनियों से कहा, अल्नासुर का अंत केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। अल्नासुर का अंत करने के लिए उसको निगलना पड़ेगा और ये काम गणेश जी ही कर सकते हैं। गणेश जी का पेट काफी बड़ा है और वे अल्नासुर को आसानी से निगल सकते हैं। यह सुनकर सभी देवी देवता गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश भगवान की स्तुति करी और भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर गणेश जी अल्नासुर को समाप्त करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद गणेश भगवान और अल्नासुर का घमासान युद्ध हुआ और उसके बाद भगवान गणेश ने अल्नासुर को निगल लिया। निगलने से पेट में बहुत जलन हुई गणपति भगवान की और अनेक प्रयास करने के बाद भी जब जलन दूर नहीं हुई
तो ऋषि मुनियों ने भगवान गणेश जी को दुर्वा घास दी। दुर्वा घास लेने से भगवान गणेश जी की जो पेट की जलन थी वो आसानी से शांत हो गई। तो उसी दिन से कहते हैं कि भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है और दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणपति अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय भी माना जाता है और दुर्वा भी चढ़ाई जाती है।